नमस्कार, मैं प्रिया धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी के मूवमेंट के पूरे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के ट्रैवल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखे। केस की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि इस मामले को किसी पर भी छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी कहा है कि ये मामला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का है और एनआईए के अधिकारी इस केस की जाँच के सहयोग में कर सकते हैं। बीते साल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान नियमों में ढिलाई के चलते आलोचना का शिकार होने वाला चुनाव आयोग इस बार किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। चुनाव आयोग ने इस बार तैयारी की है कि यदि किसी रैली में कोरोना नियमों का उल्लंघन होता है तो उसे तत्काल रोक दिया जाए। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया जाएगा। यूपी पंजाब समेत 5 राज्य के चुनाव को लेकर आयोग ने होम मिनिस्ट्री से कहा है कि रैलियों में यदि कोई भी नियम का उल्लंघन होता है तो फिर नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। गोवा फॉरेस्ट पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने कहा है कि भाजपा का विरोध करने वालों के लिए तटीय राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ आने का समय आ गया है। उन्होंने कहा है कि जीएफपी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को एक व्यापक गठबंधन के हिस्से के रूप में हाथ मिलाना चाहिए ताकि सत्ताधारी भाजपा के अहंकार को तोड़ा जा सके। कोरोना की तीसरी लहर का कहर मुंबई पर तेज हो गया है। गुरुवार को शहर में 20,000 के करीब नए केस मिले हैं और अब तीसरी लहर का पीक आना बाकी बताया जा रहा है और उससे पहले यह हालात चिंताएं बढ़ाने वाली है। 20,181 नए केस पाए गए जो कि डेल्टा वेरिएंट के चलते आई दूसरी लहर के पीक से मिले 11,206 केस के मुकाबले 75% ज्यादा है। यही नहीं, मुंबई का डेली पॉजिटिविटी रेट भी तेजी से बढ़ते हुए 30% हो गया है और आज जो मामले आए हैं उसमें 35,000 से ज्यादा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हाउ इंडिया लाइव्स ने 5 जनवरी तक जिला स्तर के मामलों को संकलित किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इन जिलों को ग्रामीण इलाकों के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पूरी तरह से शहरी जिले, ज्यादातर महानगर और कुछ राजधानी शहरों में ग्रामीण आबादी का हिस्सा 20% से कम है। पूरी तरह से ग्रामीण जिलों में 20% से कम शहरी आबादी है। अन्य श्रेणियों के बीच में 20% का अंतराल है। मामलों के अध्ययन से पता चलता है कि पूरी तरह से शहरी जिलों में नए मामलों का 7 दिवसीय औसत बढ़ रहा है। भारत में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 1.17 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं। दैनिक मामलों में 5 जून 2021 के बाद ये सबसे अधिक वृद्धि है। आपको बता दें कि देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन के कारण दूसरी लहर की तुलना में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। बिहार में 24 सितंबर को 12 दिसंबर 2021 तक 11 चरणों में संपन्न पंचायत चुनाव के परिणाम से जाहिर है कि करीब 80% नए चेहरे खासकर मुखिया का चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी पंचायत चुनाव में वंशवाद और परिवारवाद का खेल लंबे समय से चलता आ रहा है। पंचायत चुनाव राजनीति की प्राथमिकता पाठशाला मानी जाती है। विधायकों, सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों की बहु बेटियां चुनाव लड़ती हैं और जीतती रही हैं, किंतु इस बार चुनाव में बहुत कुछ अप्रत्याशित बदल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल का यह चौथा पंचायत चुनाव था। बुल्लीबाई आपका मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने का मामला सामने आया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर कथित रूप से हिंदू महिलाओं को लक्षित करने वाले एक चैनल को ब्लॉक किया गया है। उन्होंने बताया है कि सरकार मामले में आगे की कार्रवाई के लिए राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय कर रही है। ये प्रकरण ऐसे में सामने आया है जब बुल्लीबाई नाम के एक ऐप पर भारत में काफी बवाल मचा हुआ है। बुल्लीबाई ऐप की जांच कर रही पुलिस ने मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुल्लीबाई ऐप मामले में दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी और इस कांड ने यह बताया है कि महिला इंटरनेट पर कितनी असुरक्षित है। कश्मीर में कड़ाके की सर्दी जारी है और अधिकतर हिस्सों में तापमान जमाव बिंदु के करीब रहा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जहां बीती रात तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस था। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूरे देश को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को भूस्खलन, हिमपात तथा पत्थरों के गिरने से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। घाटी में नलों में पानी जम गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने 8 जनवरी तक मध्यम से भारी हिमपात या बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। देश में शुरू हो चुकी कोरोना की तीसरी लहर पहले से बड़ी होगी और खत्म भी जल्द होगी। संक्रमण की तीव्रता के आंकड़ों के साथ साथ विशेषज्ञों की तरफ से भी ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने हिंदुस्तान से बातचीत किया और जिस पर संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उससे यह संकेत मिलने लगे हैं कि तीसरी लहर बड़ी होगी। यह पहली लहर को पार करने में करीब है। संक्रमण की पीक दूसरी लहर से भी बड़ी हो सकती है, लेकिन कितनी बड़ी होगी अगले कुछ दिनों में इसका आकलन हो जाएगा। जिस प्रकार तेजी से संक्रमण बढ़ रहे हैं उसी तेजी से घटेंगे।
देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें ओमिक्रॉन स्वरूप के मामलों की बड़ी संख्या सामने आ रही है। एम्स के डॉक्टर का कहना है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के 3 दिन बाद लक्षण नजर आने लगते हैं। इसके मरीजों को घर पर ही लक्षणों के आधार पर ठीक किया जा सकता है, कुछ को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण के पेच में फंसी नीट पीजी काउंसलिंग मामले में फैसला सुन लिया है। कोर्ट के अनुसार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों की ही श्रेणी में आरक्षण लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण के पेच में फंसी नीट पीजी काउंसलिंग मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट के अनुसार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों ही श्रेणी में आरक्षण लागू रहेगा। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि 7 जनवरी को ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस बीडीएस और एमडी एमएस एमडीएस के में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस में कोटा देने के मामले पर सुरक्षित रखे फैसले पर निर्णय दिया है। बिटकॉइन की कीमतें अचानक धड़ाम हो गई है। ये गिरकर $41,857 प्रति बिटकॉइन हो गई है। 2021 में यह $69,000 तक का स्तर छू चुकी है। भारत में हालांकि बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टोकरेंसी के चलन पर पाबंदी लगाने की बात चल रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में इसे लेकर एक बिल भी आने वाला है, लेकिन उस बिल को फिलहाल टाल दिया गया है क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है कि करेंसी को प्रतिबंधित करना सही नहीं होगा, इसे एसेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 में कई रैलियां कर चुके अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पार्टी के बीच भले ही गठबंधन की बात कही जा रही है, लेकिन सीट को लेकर अभी भी बात फाइनल नहीं हो सकी है। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया गुरुवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले। करीब 1 घंटा 45 मिनट की इस भेंट के बाद भी ना तो जयंत चौधरी ने सीट को लेकर के मीडिया से बात कही और ना ही अखिलेश यादव कुछ बोले। जनवरी 2022 से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की नई प्लेइंग कंडीशंस लागू होगी, जिसमें अगर तय समय पर आखिरी ओवर की पहली गेंद नहीं फेंकी जाती है तो फिर 30 गज के दायरे के बाहर एक खिलाड़ी कम होगा। अगर तय समय पर कोई टीम सिर्फ 18 ओवर फेंकती है तो आखिरी के 2 ओवर 30 गज के दायरे में 5 नहीं बल्कि 4 ही खिलाड़ी बाहर रह सकेंगे। अगर समिति समय में आखिरी ओवर की पहली गेंद भी फेंकी जाती है तो फिर ये सभी किसी भी प्रकार की परेशानी गेंदबाजी वाली टीम को नहीं होगी। आईसीसी क्रिकेट कमेटी ने दूसरा नियम ड्रिंक्स ब्रेक लगा आईसीसी क्रिकेट कमेटी ने दूसरा नियम ड्रिंक्स ब्रेक लेकर बनाया है। T20 इंटरनेशनल मैच की एक पारी के दौरान 2.5 मिनट का ब्रेक लिया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कैटेगरी बी सी और डी में विभिन्न पदों की कुल 272 रिक्तियों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। विश्वविद्यालय द्वारा 4 जनवरी 2022 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार क्लर्क, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, चपरासी, चौकीदार और अन्य पदों पर भर्ती की जानी है। साथ ही HPU भर्ती 2022 अधिसूचना के मुताबिक इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज 7 जनवरी 2022 से शुरू हो रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 जनवरी 2022 तक अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को भोरिया में आयोजित कार्यक्रम में गोरखपुर को 67.79 करोड़ रुपए लागत की 20 परियोजनाओं की सौगात देते देखे गए। इसमें 50.48 करोड़ रुपए लागत की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण और 17.31 करोड़ रुपए लागत की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ब्लॉक परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण और नवनिर्मित मंच का लोकार्पण भी करेंगे। प्रतिमा और मंच के निर्माण पर करीब 36 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने को लेकर भाजपा मुखर है। घटना के विरोध में पुतला दहन और मोमबत्ती जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इस प्रकरण पर बसपा के समर्थक श्री कांग्रेस सरकार के खिलाफ नजर आ रही है। हालांकि वो किस तरह का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के पंजाब दौरे के दौरान जो सुरक्षा चूक हुई है वो अति चिंतनीय है। इस घटना को पूरी गंभीरता से लेकर इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि इसके लिए दोषियों को उचित सजा मिल सके और आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज शुक्रवार को कहा है कि राजधानी में पिछले 24 घंटे में लगभग 17,000 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस यहां पर जल्द ही पीक जाने की उम्मीद है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में 30,000 से अधिक सक्रिय कोविड-19 मामले हैं और 24 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। दिल्ली के निवासियों को अगले 2 महीने तक सतर्क रहने की जरूरत है। भारत आज शुक्रवार को अपने विक्रमादित्य विमानवाहक पोत के साथ साथ स्वदेशी विमानवाहक पोत A पर उपयोग के लिए राफेल MJ का परीक्षण करेगा, जिसे गोवा में INS हंसा के तट आधारित परीक्षण सुविधा के लिए INS विक्रांत के रूप में तैनात किया जाएगा। ये विमान परीक्षण के लिए गुरुवार को पोत पर पहुंचा है।
हॉलीवुड के फैंस और परिवार के लोगों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दिग्गज लेखक निर्देशक पीटर बोगदानोविच का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। पीटर 70 के दशक के सबसे चर्चित फिल्म मेकर्स में से एक थे। उनका जीवन भी किसी हॉलीवुड के ड्रामा फिल्म से कम नहीं था। उनका हॉलीवुड में योगदान अतुलनीय है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों ने अपने प्रचार की रणनीति में बदलाव किया है। असल में राज्य में कोरोना वायरस के नए संक्रमण ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सियासी दल वर्चुअल रैलियों के जरिए चुनाव प्रचार का प्लान तैयार कर रहे हैं। वहीं जिन दलों को बिहार चुनाव में वर्चुअल रैली का अनुभव है उन्हें यूपी चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। वहीं सियासी दल सोशल मीडिया के मैनेजरों को नियुक्ति कर अपनी रैलियों को जनता तक पहुंचाने की तैयारी में है। चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च सीमा को बढ़ा दिया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता की तरफ से किए गए ट्वीट के मुताबिक अब विधानसभा और लोकसभा उम्मीदवारों की चुनावी क्षेत्रों में खर्च की जाने वाली धनराशि को बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग के वक्तव्य के मुताबिक यह नई खर्च सीमा आने वाले चुनाव से ही लागू हो जाएगी। नई खर्च सीमा के तहत अब संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी 95 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इससे पहले वो 70 लाख रुपए खर्च कर सकते थे। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों की खर्च सीमा 40 लाख रुपए कर दी गई है। पहले 28 लाख रुपए थी। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा बिजनेस की दुनिया में एक कदम रखने जा रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने मार्केटिंग प्लेटफॉर्म वन इम्प्रेशन में निवेश किया है। हालांकि कंपनी में उन्होंने कितना निवेश किया है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक नीरज चोपड़ा ने वित्तीय पोषण के रणनीतिक दौर में निवेश किया है। कंपनी ने मामा अर्थ के वरुण अलग पीपल ग्रुप के अनुपम और करणदीप आनंदपुर में मेटा के साथ कॉमेडियन जाकिर खान और कानन गिल समेत निवेशकों के एक समूह में $10 लाख करीब 7.4 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बॉलीवुड के बाद अब टीवी का एक मशहूर जोड़ा अलग हो गया है। टीवी एक्ट्रेस संजीदा शेख के पति आमिर अली ने अलग राहें कर ली हैं। दोनों एक साल से अलग रह रहे थे। दोनों का डायवोर्स भी हो चुका है लेकिन ये खबरें अब सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखना चाहते थे इसलिए किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया। वहीं अब कोर्ट ने आयरा की कस्टडी संजीदा शेख को दे दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों के तलाक के पेपर तो 9 महीने पहले ही तैयार हो चुके थे और दोनों ने ही अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है। बस इसकी भनक दोनों ने किसी को नहीं होने दी थी। उत्तर कोरिया ने बृहस्पतिवार को दावा किया है कि उसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण किया है। इससे कुछ दिन पहले देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने कोविड महामारी की दुश्वारियों के बीच सैन्य क्षमता को बढ़ाने का संकल्प लिया था। बुधवार को किया गया परीक्षण पिछले 2 महीने में उत्तर कोरिया द्वारा किया गया पहला परीक्षण था। इससे संकेत मिलते हैं कि यह देश निरस्त्रीकरण की दिशा में बातचीत करने के बजाय अपने नाभिकीय और मिसाइल भंडार की आधुनिकीकरण की योजना पर जोर देगा। दिल्ली और यूपी सहित कई राज्यों में मौसम में बदलाव नजर आ रहे हैं। जहां बिहार के लोग ठंड से कांप रहे हैं वहीं झारखंड में खिली धूप ने लोगों को राहत दी है। हालांकि आगे कुछ दिनों में इन प्रदेशों में बारिश के आसार मौसम विभाग ने व्यक्त किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से 9 जनवरी तक दिल्ली में यही स्थिति नजर आने वाली है। वायरल वीडियो मामले में महिला आयोग ने जावेद हबीब को नोटिस भेज दिया है। वायरल वीडियो में जावेद हबीब थूक लगाकर हेयर ट्रीटमेंट करते नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते हैं बीते दिनों वायरल हुए वीडियो में जावेद हबीब एक सेमिनार के दौरान एक महिला के बालों में थूकते हुए नजर आ रहे थे जिसके बाद ही जावेद हबीब को बैन करने की मांग भी उठने लगी थी। अगर आपका भी ज्यादातर सफर ट्रेन से होता है तो आपके लिए खुशखबरी है। रेलवे स्टेशन पर अब मोबाइल रिचार्ज से लेकर बिजली का बिल और टैक्स फाइलिंग की सुविधा बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगी। कॉमन सर्विस सेंटर पर इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। रेलटेल की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार यह योजना ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से कुछ जगहों पर शुरू करने की योजना है। ये सर्विस सेंटर ग्रामीण लेवल के उद्यमी चलाएंगे जिसमें उन्हें भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है लक्ष्मण कुमार, पवन गोस्वामी, संजीत कुमार, नुन्नू कुमार, विनोद कुमार राज, चिराग कुमार, कृष्ण यादव, अरविंद अरविंद, विसाय मुनि, चिन्नू कुमार, अंशु कुमारी, काजल कुमारी, मोहम्मद फैजान, कमलेश कुमार, नीतीश कुमार, प्रियांशु सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए क्या 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का आयोजन होना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।